नजर क्या लगे वहाँ पर, प्यारे प्यार जहाँ पर न पिछड़े मिलने वाले। Hey guys, good morning, welcome to my new blog। तो अभी 12 बजने वाला है, लेकिन अभी बाहर देखने में पता ही नहीं लग रहा है कि अभी 12 बजने वाला या मॉर्निंग का 5 बजने वाला है। तो बहुत ठंडा है, इतना ठंडा ज़्यादा है। अभी हम पटना से तो आ गए, अब पटना में इतना हिम्मत नहीं करता है कुछ सूट करने लोग, लेकिन बहुत ठंडा है, ज़्यादा ठंडा दिखाता है आपको कितना ठंडा है यहाँ पे। अभी आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, धूप को देखे हुए तो कम से कम लग रहा है, नहीं तो 3 से 4 दिन हो गया तो ठंडा लग रहा है। थोड़ा चलते हैं आग जलाने, क्योंकि बहुत हाथ मतलब हाथ इतना कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो चलते हैं फिर आग जलाने। तुम्हें आँखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे आग जलते हुए भैया देखा तो भैया बोला हम भी थोड़ा सा, तो हम भी बोले ठीक है। फिर सब कुछ धीरे धीरे आने लगा, ऊपर से सोनू भी, हरेंद्र भैया और सुमित भी आ गए लोग। तो गाइस शाम में प्लान हो रहा है कि लिट्टी लगाने के लिए, तो अभी चिंटू बोरा जुगाड़ कर रहे हैं, जलावन लेने जा रहे हैं अभी एक वहाँ गाय, जो जहाँ गाय से हम लोग दूध लेकर आते हैं वहाँ से जलावन अभी लेके आएंगे, तो अभी चलते हैं जलावन। हम लोग जलावन लेने हम और सोनू भैया और चिंटू जा रहे हैं। कहाँ कौन है, कहाँ कहाँ है सोनू भैया, कहाँ से आते हैं, कहाँ सोनू भैया का पता नहीं है, तो खटाल के पास जा रहे हैं हम लोग जलावन। था तो मिला नहीं, लेकिन अब चिंटू के मामा घर जा रहे हैं। चिंटू यहीं पे गोंडा रोड में इनके मामा रहते हैं, इन्हीं के घर गोईठा होगा, तो ये लेकर अब आए हो रहे हैं। और सोनू भैया अपने कलाकारी दिखा रहे हैं, जो मरीच एकदम स्टाइल से पीस रहे हैं, और सुमित जो लहसुन को एकदम छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। काहो मंगरो अब कहा करवा आगे के तू नमक डाल रहे हैं और सतुआ गया, सतुआ डाल दो, सब सब डाल दो, सब डाल दो। आउ छीदो मत, वो प्याज और एम अथी मिर्च काट दो, उस काटा तो काहे हो। और सोनू भैया आग को जला दिए, और चिंटू भी आग को एकदम अच्छे से, हम अब इस पर लिट्टी तुरंत गढ़ाने वाले हैं। और लिट्टी आरा पे बोझा गया है, और सब कुछ लगे हैं इसको पलटने में। पलटो पलटो सटा सटा पलटो, तो गांव से मेरे घर चाचा आए थे, उनको जाना था अजीमाबाद, तो उनको सब ट्रेन पकड़ाना था, तो हम और भैया सब कोई मतलब मिलकर ट्रेन पकड़ाने चले गए। तो अब हम स्टेशन पे आके ट्रेन वेट कर रहे थे, तो फिर ट्रेन आने में लेट थी अभी। पर बैठा कर अब हम सोच रहे थे थोड़ा सा घर जाने के लिए, क्योंकि सब कोई बोल रहा था लेट हो रहा है। तो हम और सोनू भैया और सुमित और एक और चंदन जो गांव से आए थे सुमित के, वो लोग तीनों मिलके अब हम लोग घर जा रहे थे। तो अभी आए घर पे छोड़ के उनको, और अभी बज गया है कितना, 1 बजे, रात के 1 बज गए हैं। अभी तो वीडियो भी एडिटिंग कर रहा है, तो वीडियो एडिटिंग करने में भी 1 घंटा लगता है, तो कम सोते सोते तो कम से कम 2 बज ही जाएगा। हे गाइस, जब ब्लॉग इन करते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में 4 बजे ही पटना जाना है, तो ब्लॉग इन करते हैं। आप कॉमेंट करके बताना कैसा वीडियो लगा, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।